मैं फ्लिपकार्ट की एयरिंग की और क्रॉप टॉप और स्कर्ट की रिव्यू दिखाऊंगी और इस क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये एक सेमी स्टिच स्कर्ट है, देखिए ये सभी लहंगा का रेप्लिका वर्क है जो ग्रीन के कलर में कॉम्बिनेशन में है और देखिए यहाँ पे पिंक कलर के क्रॉप टॉप के लिए फैब्रिक दिया था। देखिए ये इस तरीके का था पर मैंने क्या किया, इसका यूज नहीं किया है, मैं फुल ग्रीन कलर का बनाना चाहती थी तो मैंने इसे पूरा बेल्ट से खोल दिया और चार फोल्ड करके इसे बिछा लिया। मेरा फुल लेंथ था 50, उसमें से मैंने 15 इंच माइनस किया 35 बार, उसमें 2 इंच प्लस किया तो मेरा फुल लेंथ होगा 37 इंच। मैंने 37 इंच पर यहाँ पे मार्क लगा लिया इस तरीके से क्योंकि 2 इंच क्या होगा फोल्डिंग में जाएगा और स्टिचिंग में जाएगा। देखिए मैंने इसे इस तरीके से कट करके निकाल दिया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। देखिए मैंने इस कॉम्बिनेशन में इसे फैब्रिक को लिया था, यह ओनली 50 रुपीज का मैंने खरीदा था, ठीक है। देखिए मैंने इसे एक फोल्ड करके बिछा लिया है, इसकी लेंथ है मैंने ली है 15 इंचेस, ठीक है। आधा इंच मैंने ऊपर और नीचे की ओर आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, और ऐसे तिरछा करके इसे मार्क लगा लिया है और ऊपर भी मैंने इस तरीके से 7 इंच पे और 4 इंच पे नेक का मेजरमेंट लिया और आर्म होल भी 7 इंच और यहाँ पे 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए 7 इंच पे मार्क लगा और एक एक इंच की दूरी पर मैंने आर्म होल के लिए शेप दिया इस तरीके से और हाफ इंच मैंने डाउन किया यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और इस तरीके से गुलाई लेते हुए मैंने मार्किंग की। मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और नीचे भी मैंने 10 इंच पे मार्क लगाया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। अब मैं बैक कटिंग कर लूँगी। मैंने बैक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पहले कट किया, ठीक है, एक पार्ट को इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं इस फैब्रिक को फिर से बिछा लूँगी और इसके ऊपर ऐसे रख के निशान लगा लूँगी इस तरीके से। मार्किंग कर लेने के बाद हम इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। ये मेरा टॉप का ऊपरी भाग का पीछे का पार्ट है, ठीक है, बैक पोर्शन है ये, तो हो गया इसकी कटिंग। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सारे निशान के अनुसार हम इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर भी कट कर लिया, ठीक है, और जो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ पे आर्म होल बनाया था इस तरीके से इसको भी कट कर लिया। अब मेरा बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे बैक के नेक की कटिंग कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से ये 4.5 इंच की है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोर्ड नेक प्रिपेयर किया है। अब जो बचा हुआ पैटर्न है इससे मैं स्लीव्स बनाऊंगी। स्लीव्स बनाना बहुत ही कठिन था, तो मैंने स्लीव की कटिंग बाद में की। अब मैं क्या करूंगी, इस टॉप को इस तरीके से स्टिच कर दूंगी, इस तरीके से उल्टा रखेंगे दोनों को, मतलब दोनों का जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा और इस तरीके से नेक को पहले स्टिच कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये एक क्रॉप टॉप और लहंगा है पर मैंने इसे लॉन्ग गाउन बनाया है। अब यहाँ पे मैं नॉच लगा दूंगी, ठीक है, और इसे फोल्ड करके ऊपर टॉप स्टिचिंग लगा दूंगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे इसे लॉन्ग गाउन बनाऊंगी, ठीक है। आप भी किसी भी क्रॉप टॉप और स्कर्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं लॉन्ग गाउन में, ठीक है। अब मैं साइड में भी स्टिचिंग लगा के इसे अच्छे से फिट कर लूंगी, चारों तरफ स्टिचिंग लगा लूंगी इस तरीके से, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को अब कट करके निकाल दीजिए। अब इसे हाफ फोल्ड करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट का डिजाइन बनाऊंगी। तो मैंने पहले क्या किया, चेस्ट का मेजरमेंट ले लिया। मेरा चेस्ट का मेजरमेंट है 10 इंच, 10 इंच पर निशान लगा के मैंने आर्म होल का मेजरमेंट लिया। 9 इंच आया तो 9 का आधा 4.5 होता है, मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया 5 पर क्योंकि ऊपर कंधा आधा इंच सिल जाएगा और यहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया।
अब मैं कंधे से लेकर नीचे तक 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ भी 4 इंच मार्किंग कर लूंगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी इस तरीके से और यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक कर्व शेप दूंगी, देखिए इस तरीके से आप हाफ इंच लेकर भी कर्व शेप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम डार्ट बनाएंगे करीबन आधा आधा इंच का। ठीक है, देखिए मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, इधर से आधा इंच और इधर से आधा इंच। अब यहाँ भी हम आधे का आधा ऐसे डार्ट लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस साइड भी मार्किंग कर लेंगे सेम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैं स्टिचिंग कर लूंगी, यहाँ पे पहले मैं नॉच लगा लेती हूँ। अब इसे खोल के मैं देखिए किस तरीके से स्टिचिंग लगा रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड कर लिया और ऐसे निशान के अनुसार यहाँ तक मैंने स्टिच किया, फिर उसे अच्छे से एडजस्ट करके इसे इधर भी स्टिचिंग कर दिया। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस साइड भी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसे थोड़ा आराम से स्टिचिंग कीजिएगा, नहीं तो बीच में फोल्डिंग आ सकता है। मैं इसके ऊपर अब टॉप स्टिच भी कर दूंगी ताकि इसकी सिलाई फिनिशिंग दिखाई दे। अब ये तो हो गया मेरे फ्रेंड की स्टिचिंग, अब मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग करूंगी। सेम ऐसे ही आपको स्टिच करना है। ठीक है, इसे उल्टा करके इस तरीके से नेक को स्टिच कर देंगे और उसे पलट के टॉप स्टिचिंग लगा देंगे और उसके पूरे चारों तरफ भी स्टिचिंग कर देंगे। अब इसके बाद मैं शोल्डर को इस तरीके से हाफ करके यहाँ पे स्टिच कर दूंगी आधा आधा इंच करके। ठीक है, डार्ट लगा दूंगी इस तरीके से, शोल्डर को कंधे को हाफ फोल्ड करेंगे ऐसे और उसके बाद ऐसे करके हम यहाँ पे ट्रायंगल शेप में डार्ट लगा देंगे। तो लीजिए इसकी स्टिचिंग भी हो गई, अब इसके शोल्डर को ज्वाइन कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है तो उसे कट करके ट्रिम कर लीजिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है तो मैंने थोड़ा सा ट्रिम कर दिया। ऐसे अब इसके बाद हम इसकी शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। डबल स्टिचिंग जरूर कर ले। अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया था, फ्रंट में आधा आधा इंच करके यहाँ पे प्रिंसेस कट प्रिपेयर किया था, जिसकी वजह से हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो हाफ इंच कम हो गया था। तो हम थोड़ा सा कट कर लेंगे दोनों साइड, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था ताकि जब इसे कट करें तो फैब्रिक कम ना पड़ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्लीव के लिए कपड़ा कम पड़ गया था तो 10 इंच पे मार्जिन मार्क लगा के मैंने इसे एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया और दोनों पैटर्न को इस तरीके से स्टिच कर दिया एक्स्ट्रा पार्ट को। अब इसे मैं जो साइड्स में मैं क्या कर दूंगी, स्टिच कर दूंगी ताकि इसकी लेंथ क्या हो जाए, लंबी हो जाए और मैं 10 इंच का स्लीव्स तैयार कर सकूं। लेंथ तो ठीक थी पर इसकी जो चौड़ाई थी वो कम थी, इसीलिए मैंने जो बचे हुए फैब्रिक को दोनों को मैंने जोड़ के इस तरीके से स्टिच कर दिया और इसे साइड्स में अटैच कर दिया। दोस्तों जो स्टिचिंग का जो पार्ट है जो हमने एक्स्ट्रा जॉइंट करके स्टिच किया था, ये आप हमेशा फ्रंट की तरफ लगाइए क्योंकि पीछे की तरफ दिखाई देने से अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से, ये करीबन 9 इंच की है। अब यहाँ मैंने 3 इंच पे मार्क लगाया और इस तरीके से कर्व शेप दिया। ठीक है, और
आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट का मेजरमेंट लिया और नीचे मैंने एक इंच तिरछा लेते हुए इस तरीके से मार्क लगा दिया। अब मैं पूरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कट कर लूंगी, बिल्कुल इस तरीके से। अब जो अस्तर है उसे भी हम ऐसी जोड़ के स्टिच करके इसमें जॉइन कर लेंगे। दोस्तों मैंने आपको स्लीव की कटिंग बहुत बार दिखाई है और इसकी स्टिचिंग भी दिखाई है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में इसकी कटिंग और स्टिचिंग और क्लियर और विस्तार से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने दो पार्ट को ऊपर उठा के इस तरीके से फ्रंट का कटिंग भी कर लिया। ये रहा अस्तर, अस्तर को भी हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने एक स्लीव अटैच कर लिया है, दूसरी स्लीव आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो मैं हमेशा स्लीव को अटैच करने के लिए बीच से, शोल्डर के बीच से ऐसे स्टिच करती हूँ ताकि दोनों साइड मेरा जो मेजरमेंट है वो इक्वल हो। देखिए इस तरीके से आप अटैच कर दीजिए, और हाँ, डबल स्टिचिंग करना ना भूलें। दोस्तों आपको इस लॉन्ग स्कर्ट की डिजाइनिंग कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसे मैंने अष्टमी के लिए प्रिपेयर किया था पर मैं लेट से इसे अपलोड कर रही हूँ। तो लीजिए, ये हो गया इसकी स्लीव की स्टिचिंग। अब इसे हाफ फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे करूंगी तो हाफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं देखेंगे कैसे मैं डिजाइन बनाऊंगी। सबसे पहले हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किया है, ठीक है, और यहाँ पे स्लीव के पास 5 इंच पे मार्क किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं राउंड शेप दूंगी इसे मिलाते हुए इस तरीके से, ठीक है। अच्छे से डार्क करके इसे मार्क कर लीजिए, वो किस लिए आप आगे देखेंगे। अब इसे फिर से हाफ फोल्ड कर दीजिए उल्टा करके, मतलब इस तरीके से फोल्ड था उसे हम खोल के इस तरीके से पलट के हाथों से इसे डैब डैब कर लेंगे तो इसकी मार्किंग इधर भी छप जाएगी। देखिए ये छप गई है, अब इसे हम ऐसे मार्क कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से पैटर्न बन गया। इसी के अकॉर्डिंग हम पीछे भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। हाफ फोल्ड कर लीजिए और सेम मार्किंग कर लीजिए। नेक से 2.5 इंच नीचे और शोल्डर से यहां तक 5 इंच, और ऐसे सर्कल बना लीजिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या डिजाइनिंग होगी, तो मैंने यहाँ पे एक पिंक और गोल्डन की कॉम्बिनेशन में टसल वाला लेस लिया है। मैं यहाँ पे राउंड करके इसे लगाऊंगी, आप देखते जाइए किस तरीके से। ये रहा वो लेस, ठीक है, ये पिंक के कॉम्बिनेशन में है क्योंकि जो मेरा क्रॉप टॉप है वो भी पिंक के कॉम्बिनेशन में था, तो मैं इसे हाईलाइट करने के लिए पीछे से इस तरीके से लगाते हुए पूरे सर्कल में लगाऊंगी। तो हम इसे इस तरीके से खोल लेंगे और बैक पोर्शन से इस तरीके से अटैच करेंगे, और हाँ, गोल्डन धागे से इसे स्टिच करेंगे ताकि इसकी सिलाई इनविजिबल हो। इस तरीके से रख दीजिए, और एक ही सिलाई करूंगी क्योंकि ये जो लेस है वो पतली है, तो मैंने सिर्फ एक ही स्टिचिंग लगाई है। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता होगा, मेरी क्रिएशन अच्छी लगती होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर डिजाइन बना है। अब इसके बाद मैं इस स्कर्ट के जो पार्ट को इसमें अटैच करूंगी, इसके लिए पहले मैं इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लीव और अपने बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे स्टिच कर दूंगी।
ठीक है, इस तरीके से मेरी कमर का मेजरमेंट था 36, उसका आधा होता है 18, तो 18 इंच तक मैंने प्लेट प्रिपेयर कर लिया था और 18 इंच का मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 2 इंच पर प्लेट प्रिपेयर करूँगी, वो किस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैं बॉक्स प्लेट बनाऊँगी। तो मैंने 1-1 इंच 2.5 इंच छोड़कर 1-1 इंच पर इस तरीके से अपोजिट साइड ऐसे करके प्लेट बनाया और यहाँ पे पिनअप कर दिया। दोस्तों आप ये प्लेट अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मेरा मेजरमेंट 36 था तो मैं जो प्लेट है उसको भी उसी तरीके से मैंने अरेंज किया, देखिए 1-1 इंच करके। अब यहाँ पे मैं पिन लगा दूंगी ताकि जो मेरे प्लेट्स हैं वो इक्वल बने, और देखिए ये 2.5 इंच का प्लेट है, ठीक है, इसके जो लेंथ है वो 2.5 इंच की है और हम दबाएंगे 1-1 इंच मतलब 2 इंच फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक प्लेट बन गई है, अब इसे जस्ट अपोजिट साइड प्लेट डालेंगे और पिनअप कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। आप हैंड स्टिचिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास पिन नहीं होगा तो। अब इसके बाद फिर से 2.5 इंच के बाद 1-1 इंच लेते हुए फिर से अपोजिट, दोस्तों अपोजिट आपको फोल्ड करना है, ठीक है। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पूरा प्लेट डाल दीजिए अपने स्कर्ट को, अगर आपके कपड़े की लेंथ कम है तो आप 1-1 इंच के जगह 1.25 इंच या फिर 1/2 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में आप स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच मार्जिन जरूर रखिए, नहीं तो इसका पैटर्न गंदा दिखेगा। देखिए मैं इस तरीके से 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है स्टिचिंग के लिए। अब मैं अपने पूरे मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे स्टिच कर दूंगी, इसके ऊपर के भाग को, ठीक है, फिर पिन को पूरा निकाल दूंगी। देखिए पहले मैं कमर के पूरे पार्ट को स्टिच कर दूंगी ताकि जब मुझे स्टिचिंग करनी हो, इसको अटैच करना हो अपने टॉप के साथ, तो ये अच्छे से अटैच हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये क्रॉप टॉप और स्कर्ट खरीदना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। अब इसके साइड्स को भी जॉइन कर दे, डबल स्टिचिंग करना ना भूले। दोस्तों इस स्कर्ट के साथ अस्तर भी दिया गया था तो मुझे अस्तर खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने टॉप के लिए अलग से फैब्रिक और अस्तर खरीदा था। आप इसके टॉप से भी लॉन्ग स्कर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, पर मैंने सोचा कि मैं पूरा इसे ग्रीन में बनाऊंगी, इसीलिए मैंने इसे हटा दिया और दूसरा क्रॉप टॉप इसमें बनाया, ठीक है। अब देखिए मैं अंदर में इसके टॉप को डाल दूंगी और इसे उल्टा रखूंगी दोस्तों, ठीक है, टॉप को सीधा और इसको उल्टा करते हुए इसके साइड से हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं तिरछा फोल्ड कर दूंगी क्योंकि मेरे यहाँ पे सिलाई है, ठीक है, मैं यहाँ पे लूज ही पहनूंगी, इसीलिए मैंने कमर को 18 इंच ही रखा है ताकि मुझे इसे पहनने वेयर करने में कोई परेशानी ना हो और मैं इसे सिंगल भी पहन सकूं, दुपट्टा लेना जरूरी ना हो। अब इस तरीके से आप सिंपली राउंड करके डबल स्टिचिंग करके इसे स्टिच कर दीजिए। ये रहा इसका अस्तर, ठीक है, अस्तर पूरा स्टिच था, सिर्फ मैंने 35 इंच मार्किंग करके लेंथ की कट कर ली और इसके साइड्स को जॉइन कर लिया। अब इस तरीके से इसे उल्टा कर लिया, ठीक है, उल्टा करके अंदर की तरफ इसको डाल दिया और मैंने यहाँ पे प्लेट डालते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पे प्लेट डालते हुए पूरा स्टिच कर दिया। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्लेट डाल दीजिए, जरूरी नहीं है कि इसका कोई मेजरमेंट हो, ये आप अपने हिसाब से प्लेट डाल सकते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये स्टिचिंग होने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। और हाँ, साथ साथ जो मैंने इयररिंग्स खरीदे थे फ्लिपकार्ट से, उसे भी दिखाऊंगी। ये इसी के मैचिंग के अनुसार मैंने खरीदा था, वो एक कॉम्बो में था, तो मैं आपको इसका डिजाइन और लहंगे का डिजाइन, दोनों का डिजाइन एक साथ दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये लीजिए, मेरा ये ड्रेस रेडी है। आप इस तरीके से कम बजट में एक अच्छा सा लॉन्ग गाउन प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने कमर के पार्ट में भी इस लेस को ऐसे अटैच कर दिया था, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे और पीछे की ओर। तो दोस्तों मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये स्टिचिंग होने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये इस तरीके से दिख रहा है। वाओ, ये पहनने के बाद और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आपको अगर इयररिंग की डिजाइनिंग और इस लॉन्ग गाउन की डिजाइनिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।